हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वाद इंडियन। मैं हूँ रियाज और मैं हूँ इस टाइम बाराबंकी के देवा शरीफ में। तो गाइस, देवा शरीफ में आज हम आपको दिखाने वाले हैं घोड़ा मंडी। गाइस, आप देख पा रहे हैं मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो तालाब है, और तालाब के सामने ठीक आपको देवे मेले का गेट नज़र आ रहा है। चूँकि देवा मेला शुरू हो चुका है और घोड़ा मंडी जो लगती है इस गेट के दाहिनी तरफ जो रास्ता जा रहा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी पर हम चलने वाले हैं और आपको दिखा रहे हैं घोड़ा मंडी। गाइस, आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि घोड़ा मंडी की जो है वीडियो एक बनाइए, तो फाइनली घोड़ा मंडी पहुँच चुके हैं। लेकिन इस पूरी मंडी में आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश हुई है, जिसके कारण जो है वो घोड़ा मंडी देखिए दूर दूर तक लगी हुई है। बारिश का पानी पूरी मंडी में भरा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर घोड़ा मंडी में आपको कितने प्रकार के घोड़े आए हुए हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ा सा मैदान आपको दिख रहा है, यहाँ पर दूर दूर सिर्फ आपको घोड़े ही नज़र आएंगे, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर व्यापारी अपने घोड़े लेके आते हैं। तो आइए आपको घोड़ा दिखाते हैं और व्यापारियों से बात भी करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हम घोड़ा मंडी में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर तरह तरह के विभिन्न प्रजातियों के घोड़े यहाँ पर मिलते हैं, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग अपने घोड़े लेकर बेचने आते हैं। ये बहुत दूर तक घोड़ा मंडी लगी हुई, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, गाइस, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर आपको घोड़े ही नज़र आएंगे। इतनी बड़ी घोड़ा मंडी शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ ये पूरे मैदान में, और काफ़ी अच्छे नस्ल के घोड़े यहाँ पर हैं। अभी कोई व्यापारी मिलता है तो उससे बात भी करते हैं और आपको दिखलाते हैं वो कहाँ से आए हैं। तो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं ये घोड़ा मंडी में ये घोड़ा बता रहे हैं चेतक की नस्ल का है, और ये काफ़ी महंगा घोड़ा होता है। आइए ये घोड़ा मालिक से बात करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं, आइए इस घोड़े के मालिक से बात करते हैं। ये भाई साहब, इनका घोड़ा है। तो आप कहाँ से आते हैं सर? दरियाबाद से, यानी यही लोकल ही में है आपका घर? अच्छा, तो ये मतलब अभी ज़्यादा घोड़े दिख नहीं रहे हैं, तो ये घोड़े और बाकी जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, जो महंगे 2-3 लाख के होते हैं, वो कब से आना शुरू होंगे? कल परसों में आ जाएंगे, यानी कल परसों में और भी गाइस आपको अच्छे नस्ल के घोड़े देखने को मिलेंगे। तो इसकी कीमत क्या बता रहे हैं आप? 70,000 की कीमत का है इसकी। तो गाइस, आपने देखा कि भैया का घोड़ा है जो कि 70,000 कीमत इसकी लग चुकी है। काफ़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा बताया जाता है, और ये भैया बता रहे हैं कि परसों नरसों में और भी अच्छे घोड़े आएंगे। तो गाइस, फिर आपसे बात करेंगे परसों नरसों, फिर और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। शुक्रिया भैया आपका।